जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ। इसमें हम जानेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति और शिक्षक का महत्व और खास सूचना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको नोट्स मिले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि सर इंग्लिश में भी बताना है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको नोट्स इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि 2016 से लेके 2021 तक हर साल इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के संयोग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। अतः शिक्षा मनोविज्ञानिक शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ निसंदेह शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। ओके, शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। मानव व्यवहार को, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। आसान भाषा में समझ जाइए, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आपके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, आपके बिहेवियर के बारे में पढ़ना शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा होती है। ओके, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए, ठीक है, जो भी शैक्षिक प्रॉब्लम है ना, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है, जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है उनको तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से सॉल्व करने के लिए मनोविज्ञान का इस्तेमाल, ठीक है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ढंग से मनोविज्ञान का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि आपके व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब थोड़ी सी इसी जगह इंग्लिश में सेम चीज़ को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, एज इट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, अतः देयरफोर द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, एजुकेशन इज कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, वेयर एज साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, सेम वही चीज़ को जस्ट ट्रांसलेट कर दिया गया कि मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सेम चीज़, When behavior is studied with a view to improve human behavior, then this branch of study is addressed as educational psychology. In another word, the subject matter of educational psychology is to use the basic principle of psychology to solve the educational problem in a scientific and rational way. ठीक है, सेम चीज़ को ट्रांसलेट कर दिया गया था हिंदी और इंग्लिश में, आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ क्या होती है, बहुत ही आसान शब्दों में जो पीछे से आपको रिलेट कर सके। देखिए कार्लसनिक के द्वारा क्या कहा गया था, कार्लसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड थीरीज ऑफ अ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, W.B. कॉल्सनिक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्किनर महोदय के अनुसार, स्किनर ने इसकी क्या परिभाषा दी थी। स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। ठीक है, द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग, B.F. स्किनर। बहुत ही आसान परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं स्टीफन के अनुसार। ठीक है, स्टीफन ने बहुत ही आसान डेफिनेशन दिया था, इसीलिए मैंने इनको ऐड कर दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। बहुत ही आसान शब्दों में इन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ।
एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है भाई? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, यही क्या है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मनोविज्ञान है, जेम स्टेफन के अनुसार। ओके, तो ये हमारी परिभाषा यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इसकी प्रकृति और विशेषताएं जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसका प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार को समझकर उसके अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति साइंटिफिक है, वैज्ञानिक होती है, क्योंकि बालक के व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर शैक्षणिक वातावरण में किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई? एक साइंटिफिक है। तीसरा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न मनोवैज्ञानिक अवधारणों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किया जाता है। वही बात हुई ना, मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही तो शिक्षा का मनोविज्ञान है। चौथा देख लेते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में छात्र और शिक्षक का संबंध अधिक घनिष्ठ हो जाता है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। पांचवा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि यह मानव समाज का अध्ययन भी कराती है। छठा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोवैज्ञानिक को जोड़ने की कड़ी है। बस वही बातें आ रही हैं, बस लिखने का तरीका बदल जा रहा है। सातवां, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण से सीखने से है। इसीलिए तो स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पर एक इसकी विशेषता ये हो गई कि शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध शिक्षण में सीखने से है। ओके, आठवां दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही अध्ययन की शुरुआत कर देता है। अब ये कैसे, अगर बच्चा पेट में है तो उसकी विकास कैसे की जा सकती है, इस चीज़ का अध्ययन हम कर सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से पूर्व ही उसके अध्ययन की शुरुआत कर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध शैक्षिक प्रक्रियाओं के समस्त क्रियाकलापों से है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से अध्ययन कराता है। तो ये दोस्तों 11 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको प्रकृति कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको नेचर भी कह सकते हैं। 11 आप एक बार ध्यान में रखिए और जो एग्ज़ाम्स के टाइम याद आए आप ज़रूर लिखिएगा। सेम चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है। आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेल्फ पढ़ सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी आपको 12 ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का पहला उद्देश्य है कि बालकों के प्रति निष्पक्ष तथा सहानुभूति दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक हो, निष्पक्ष सहायक हो। दूसरा, वंचित शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री के चयन के लिए शिक्षक का सहायता प्रदान करना, जो चीज़ें छूटती जा रही हैं, जो विधियां अब नहीं रहीं, उसको फिर पुनः शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल करना, और शिक्षण सामग्री के चयन के लिए शिक्षक का क्या भाई, सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तीसरा दोस्तों, शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता एवं असफलता के संबंध में वंचित जानकारी प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधियों और युक्तियों की जानकारी प्रदान करना। छठा है दोस्तों, सामाजिक संबंधों के स्वरूप एवं समायोजन की प्रक्रिया का बोध करना, ठीक है। सातवां है दोस्तों, व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर विभिन्न तरह के बालकों के विकास में सहायक होना शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में एक है। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्यों, युक्तियों, विधियों, प्रविधियों, व्यूह रचनाओं आदि के निर्माण में सहायता प्रदान करना। नौवां, वंचित अधिगम की दिशा में बालकों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना से संबंधित विधियों तथा युक्तियों की जानकारी प्रदान करना। दसवां दोस्तों, बालक की वृद्धि विकास एवं उनके स्वभाव के बारे में ज्ञान प्रदान करना। ग्यारहवां, अवांछित व्यवहारों का नियंत्रण व वंचित व्यवहारों का सही दिशा में मार्गदर्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था का संगठन करना। जो भी अगर बच्चे इंडिविजुअली डिफरेंट हैं उनके लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था का विचार करना।
सेम चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश मीडियम वाले इसकी स्क्रीनशॉट लेके सेल्फ स्टडी करते हैं, सेम उसी चीज़ का ट्रांसलेशन है। लास्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या है दोस्तों, इसमें लास्ट पॉइंट है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अथवा आवश्यकता या महत्व। अगर एग्जाम्स में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता और महत्व कहता है तब भी आप ये लिखिए, या फिर अगर ये पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की क्या उपयोगिता है या शिक्षक की क्या आवश्यकता है या शिक्षक का क्या महत्व है, इन बिंदुओं को आप लिखिए, उसके अंदर एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले शिक्षक का महत्व देखिए, शिक्षण व्यवस्था को मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करना, जो भी शिक्षण कार्य है उसको मनोवैज्ञानिक आधार पे शिक्षण कराना, ये शिक्षक का कर्तव्य है, ये शिक्षक का महत्व है। इंग्लिश में दोस्तों प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल बेस टू द एजुकेशनल सिस्टम, ओके। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक करना, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, कौन, शिक्षक। शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कितना सहायक है, तो शिक्षण विधियों के चयन के लिए, सीखने के लिए उचित परिस्थिति एवं वातावरण का आयोजन करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, मूल्यांकन करने में शिक्षक के लिए क्या है, सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, और सामाजिक भावना का विकास करने के लिए सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ये वो बिंदु था दोस्तों शिक्षक के लिए किस प्रकार ये मनोविज्ञान सहायक है। तो दोस्तों एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं किया जा रहा है, पॉइंट्स आपके सामने एग्ज़ाम्स के दायम आपको इसको हेडिंग को याद रखना है और इस हेडिंग में आपको अपने तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इन हेडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग आपके सामने, ठीक है। अब इस हेडिंग में आप स्वयं अपने तरीके से लिख सकते हैं, ओके। हमने इस वीडियो में देखा कि मनोविज्ञान शिक्षक के लिए कैसे सहायक है, साथ ही साथ हमने मनोविज्ञान शिक्षा के मनोविज्ञान का उद्देश्य देखा, और साथ ही साथ हमने इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं देखी, इसका परिभाषा समझा और इसके अर्थ पे हमने चर्चा करी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सहायक होगी आपको चीज़ों को समझने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। इन पॉइंट्स में से अक्सर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उम्मीद है दोस्तों इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं वहाँ किस पॉइंट्स पर नेक्स्ट वीडियो बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिए, यूट्यूब का सही इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का इस्तेमाल शिक्षा से संबंधित वीडियो देखने के लिए कीजिए। जय हिंद जय भारत।